एजेंसी के नाम पर 55 लाख रुपए के धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है, जिनकी पहचान सुनील गौतम, शैलेंद्र, इमरान, हैश पे के डायरेक्टर बाबू भाई और लुकमान के रूप में की गई है। शिकायतकर्ता ने बताया है कि वो लघु सचिवालय के सामने फोटो स्टेट की दुकान चलाता है। 21 जून 2021 को आरोपी शैलेंद्र और सुनील उसकी दुकान पर गया था, जिसने उसे बताया कि वो सुनील और गौतम के साथ मिलकर क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर रहा है, जिसके बाद उसे जूम मीटिंग में शामिल कर पूरा प्लान समझाया गया। इस दौरान उसे TSWUP नाम का एक सिक्का लॉन्च करने के बारे में बताया गया और एक सिक्के का रेट 80 रुपए रखा गया। उसे बताया गया कि जल्द ही इस एक सिक्के की कीमत 10, 20 या 100 डॉलर तक जाएगा। बस इसी लालच में आकर धीरे धीरे कई लोगों ने अपना पैसा फंसा लिया। अमित कुमार ने दर्ज करवाया है मुकदमा और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया है। इसमें इन्होंने पैसे वगैरह लगाए थे डॉलर, और इसमें 6 आदमी के बाई नेम FIR दर्ज की गई है और इसकी जांच की जा रही है। इसमें करीबन उनके साथ धोखाधड़ी हुई है और धोखाधड़ी के पैसे करीबन वो 39 लाख के करीब बता रहे हैं। तो ये तो 6 लोग हैं, हांसी के हैं या बाहर के हैं? हाँ, ये सभी 6 लोग हांसी के हैं। शैलेंद्र वगैरह ये 6 आदमी के भाई नाम, सुनील वगैरह के भाई ने में FIR दर्ज हुई है और जांच की जा रही है। तो क्या शिकायत दी थी सर? इन्होंने शिकायत दी है भाई हमारे साथ ऐसे ऐसे डॉलर रुपए चेंज करके और खातों में पैसे डलवाए गए हैं, भाई आपको इसको 3 गुना 4 गुना हो गए, 300 दिन में मिल जाएंगे, इस प्रकार से शिकायत प्राप्त हुई थी। उस पर जाँच कोई गाड़ी भी देने का, कुछ चाबी देने की बात आई है, गाड़ी नहीं? हाँ, ऐसे इसमें ऐसे शिकायत में आरोप पाए गए हैं। भाई उन्होंने कहा मेरे को वहाँ पर बुलाया गया और मेरे को कोई गाड़ी वगैरह देने का सजा दिया गया, ऐसे आरोप है। इतना ही नहीं, आरोपियों ने लोगों को ये कहकर निवेश में फंसाया कि उनका ये काम भारत सरकार से रजिस्टर्ड है और इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है, जिसके चलते सभी ने उनकी बात पर भरोसा कर लिया। लालच देने के लिए कंपनी ने दुबई और थाईलैंड का टूर निकाला है। $250 के सिक्के पर थाईलैंड और $500 के सिक्के पर दुबई का टूर देने की भी बात कही। ऐसे में शिकायतकर्ता अमित ने भी अपना पैसा लगा दिया, मगर जब सिक्के का कोई रेट नहीं बढ़ा तो आरोपियों ने अमित से सिक्के बेचने को कहा, जिसके बाद उसे समझ में आने लगा कि ये कोई फर्जीवाड़ा है। बहरहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हांसी से संदीप सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।